संज्ञा कि जैसे कि संज्ञा के किसी स्थान स्थान का नाम लेने उसका उदाहरण दे दो, जैसे कि स्थान क्या हो गया आगरा, व्यक्ति किसी का भी नाम लिख दो राम, वस्तु क्या होगी और स्थान क्या हो गया आगरा। इस तरह से तुमने जैसे तीनों बच्चों का तीनों का उदाहरण देकर किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या काम के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं भाई? इसमें जैसे मान लिया कि श्यामा जा रही है, श्यामा संज्ञा छाटनी है तुम्हें, सबसे पहले क्या आते हैं व्यक्ति, किसी व्यक्ति, उसके बाद दूसरा नंबर क्या आता है वस्तु, और फिर उसके बाद क्या आता है स्थान, और उसके बाद भाव है, नाम को संज्ञा कहते हैं। अब भाव क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं बूढ़ा बूढ़ा, लेकिन उसके भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी बुढ़ापा, ठीक है ना। अब उसी को हम जैसे माने उसका भाव ना लेकर कि बुढ़ापा क्या है, बूढ़ा क्या, बूढ़ा तो एक आदमी हो गया, बूढ़ा क्या हो गया संज्ञा होगी, लेकिन बुढ़ापा क्या होगी उसकी भाव होगी, भाव के नाम को हम जैसे मीठा, मीठा क्या है जैसे संज्ञा है,